भारत में कुछ कानून इतने अजीब है कि वे न केवल खींच पैदा करते हैं, बल्कि मौजूदा समाज में भी उनका कोई अर्थ नहीं दिखाता। इनमें से अधिकांश कानून तो अंग्रेजों के जमाने के हैं। 19वीं सदी के कानूनों को आज लागू करना बेहद असंगत है। हालांकि इन कानूनों में संशोधन की दरार है, इसके बावजूद इसके विचार नहीं किया जाता। आइए ऐसे कुछ कानूनों को जानते हैं। खुदकुशी। यदि कोई व्यक्ति खुदकुशी करता है तो बांधवी की धारा 309 के तहत उसे खुदकुशी के नाकाम रहने पर सजा का प्रावधान है। तीसरी संतान पर जुर्माना। केरल में तीसरी संतान पर जुर्माना चीन विश्व में एकमात्र देश नहीं है जहां संतति नियमों का कड़ा कानून है, बल्कि भारत में केरल में भी ऐसा ही एक समान कानून है। असल में राज्य में दो संतान की नीति को सख्ती करने से लागू अभिभावकों पर तीसरी संतान के लिए 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। अल्कोहल की होम डिलीवरी। दिल्ली में अल्कोहल पेय पदार्थ की होम डिलीवरी के लिए कानूनी प्रतिबंध है। आपको इसे दुकान से खरीदना होगा। हालांकि आप चाहे तो बियर और वाइन के लिए जरूर डिपार्टमेंटल स्टोर से होम डिलीवरी का ऑर्डर कर सकते हैं। पेय पदार्थों को लेकर अलग अलग दौर के कानून। भारत में अल्कोहल सेवन के लिए वैध आयु सभी राज्यों में असमान है। गोवा में इसकी निम्नतम आयु 18 वर्ष है। हिमाचल प्रदेश, यूपी, सिक्किम और महाराष्ट्र में यह आयु सीमा 25 वर्ष है। यहाँ व्हीकल इंस्पेक्टर बनना है तो मजबूत दांत रखे। हालांकि आपको ताज्जुब होगा कि अच्छे मजबूत दांतों का वाहन निरीक्षण से क्या संबंध है, लेकिन आंध्र प्रदेश में केवल इसी मापदंड पर यह नौकरी दी जाती है। चाकू का इस्तेमाल। भारतीय सैनिक लड़ाइयों के दौरान चाकू का इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन नागालैंड में इसकी छूट है। वहां के सैनिक परंपरागत चाकू के साथ लड़ सकते हैं। इंटरनेट सेंसरशिप। बड़ी तादाद में वेबसाइटों पर आपत्तिजनक तस्वीरें व सामग्री देखने की निगरानी करना सरकार के लिए संभव नहीं है। ऐसे में पोर्न वेबसाइट पर यूजर्स को रोकने के लिए भारत में एक इंटरनेट सेंटर का कानून है। भारतीय टेलीग्राफ एक्ट। हालांकि आज के दौर में टेलीग्राफ सेवाएं अप्रचलित है, देश में अभी भी टेलीग्राफ एक्ट है जिसे ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1885 में पारित किया था। दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब जब मैं वीडियो डालता रहूँगा आपको उसके नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।